अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आज मैं कहाँ पर जा रही हूँ, तो मैं आज जा रही हूँ मरोल सुक्की मार्केट, सुक्की मच्छी का मार्केट में। हाँ, है ना। आज दिन कौन सा है? आज है शनिचर। तो शनिचर के दिन उधर मार्केट लगता है सुक्की मच्छी का। तो जैसे कि अभी आप लोगों को पता है बारिश का सीजन चालू होने वाला है, तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, सुक्की मच्छी लेके आती हूँ और उसे अच्छे तरह से साफ वगैरह करके, तो थोड़ा धूप भीप दिखा के उसको डब्बे में भर के रख देती हूँ, क्योंकि बारिश के मौसम में सुखी मच्छी खाने के लिए बहुत मजा आता है। पापड़ फ्राई करके खाने में मजा आता है, दही वाली मिर्ची ये सब खाने में बहुत मजा आता है। मैं आप लोगों को पापड़ और दही वाली मिर्ची बनाना भी बताने वाली थी, मगर ये टाइम पे नहीं बता पाई। इंशाल्लाह मैं आते साल जरूर बताऊंगी, है ना। हाँ, क्योंकि ये टाइम पे चर्च का काम चालू था, हाँ मैदान में पूरी रेती सीमेंट गिरी हुई थी, हाँ धूल तो मिट्टी मैं थी। धूल मिट्टी थी, तो मैं इसीलिए ये टाइम, ये साल मैंने पापड़ बना ही नहीं, है ना। और ये हाँ टाइम पे मैं मसाला भी नहीं बना पाई। हाँ मुझे मसाला भी हर साल मैं बनाती हूँ, मगर ये साल मैं ही बना पाई। तो बोली चलो सुखी मच्छी लेके आ जाते है करके, है ना। तो सुखी मच्छी लेके किधर से लेना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। अगर आप बॉम्बे में रहते हैं तो वहां से जाकर ले सकते हैं सुखी मच्छी। सुखी मच्छी को कैसे साफ करना और कैसे हम 4 से 5 महीना उसे रख कर खा सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, है ना। तो हाँ मच्छी हमारी खराब नहीं होगी घर में। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ में मरोल सुक्का मच्छी का मार्केट, है ना। चलिए। चलिए। क्या आपका किसी भी चीज में ओपिनियन है, तो आप उसके जरिए पैसा भी कमा सकते हैं। तो चलिए अभी आप लोगों को आसिफ बताएगा। तो प्रोबो पर जाकर आपको अपनी कैटेगरी चूज करना है। आपका जिस भी कैटेगरी में इंटरेस्ट है आपको इसमें मिल जाएगी, जैसे कि क्रिकेट, क्रिप्टो, पॉलिटिक्स, यूट्यूब एक्सेट्रा। तो चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाती हूँ। क्या इंडिया पहला T20 जीतेगी क्या नहीं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ? तो इस बार न्यू युवकों को मौका दिया है, तो देखते हैं कौन जीतेगा। जहाँ तक का मुझे लगता है इंडिया ही जीतेगी, तो मैं यस कर देता हूँ। चलिए अभी एक सवाल बुलेट लवर के लिए। क्या रॉयल इन्फील्ड हंटर 350 इंडिया में 16 जून से पहले लॉन्च होगा या नहीं? तो मुझे लगता है हो जाएगी लॉन्च, तो मैं इसमें भी यस कर देता हूँ। अगर आपको ज्यादा कमाना है तो आप फोरकास्ट के क्वेश्चन के जरिए 1000 गुना ज्यादा रिवॉर्ड कमा सकते हैं। बस आपको इतना बताना है कि इंडिया के पहले T20 में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के फर्स्ट इनिंग में कितना स्कोर बनेगा। तो मुझे लगता है 169, तो इसपे मैं 10 रुपए लगा देता हूँ। और आप इस पे मल्टीपल एंट्री भी कर सकते हैं, जैसे आप फर्स्ट रैंक आया तो आप जीत जाओगे 10,000 तक रुपया। और विड्रॉ करना भी काफी आसान है, आप डायरेक्टली अपने पैसे निकाल सकते हैं गूगल पे, UPI और पेटीएम से। तो आपका क्या ओपिनियन है, आप भी एक बार जरूर ट्राई करो प्रोबो को और जीतो लाखों रुपया। जल्दी से जाओ डाउनलोड करो, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और आप डाउनलोड करेंगे तो आपको मिलेगा 50 रुपया। डाउनलोड करो और प्रोबो करो। तो चलिए अभी हम लोग आ चुके हैं अंधेरी मरोल में। सुक्की मच्छी का मार्केट है वहाँ पे, काफी बड़ा मार्केट है और शनिचर के दिन लगता है ना लाला। हाँ। शनिचर के दिन बहुत ही सुक्की मच्छी का मार्केट भी लगता है और वहाँ पे बहुत एक्स्ट्रा मार्केट भी लगता है, जैसे कि अपने इधर मंडे मार्केट लगता है, वैसा हर शनिचर बाजार लगता है ना। तो ये देखिए, ये है बड़ी वाली झाज, है ना। हाँ। तो अभी जा रही हूँ मैं अंदर और ये देखिए, ये सारी है सुखी मच्छी। आपको जो मच्छी लेना है वो ले सकते हैं। अंदर जाने के साथ में बहुत प्यास भी लग रही थी, गर्म भी बहुत हो रहा था और माशाल्लाह मच्छी बहुत अच्छी थी, फ्रेश थी। आप लोग यहाँ से जाकर ज़रूर लेना। तो यहाँ पर भाव ताऊ ज़रूर करना, क्योंकि उन लोग है ना बहुत ज़्यादा भाव बोलते हैं ना, ऐसे कि 600-600 रुपया बोलते हैं, 1000 रुपया बोलते हैं, वो ज़्यादा बोलते हैं। मगर जिसको जानकारी रहेगी ना तो वही बराबर से भाव ताऊ करके ले सकते हैं ना। जैसे कि तुम्हारे भाई को और मुझे थोड़ी भाव ताऊ करने की जानकारी है, तो जैसे कि सामने वाले जैसे कि मेरे को डायरेक्ट 500 रुपया बोलते हैं, तो मैं उन लोगों को डायरेक्ट 200 रुपया बोल देती हूँ, एकदम आधे के आधा भाव गिरा देती हूँ, है ना। सामने वाला अगर 200 में नहीं देगा तो 250 में तो दे ही देता है, है ना। तो ऐसा भाव ताव करना बहुत है। देखो इधर पे ये वाटे लगे हुए थे, ये लोग बोल रहे थे 100 रुपया, 200 रुपया, 600 रुपया, ऐसा भाव ताव कर रहे थे। तो मैं भी इधर पे भाव करके ली, तो एक वाटा मैंने ली कितने में, 100 रुपये में ना, एक वाटा 100 रुपये का ली। तो दो वाटा ली 200 रुपये का, और दूसरे वाला भी ली मैंने
100 रुपए का, यानी 400 रुपए का मैंने वहाँ से लिया। तो सब सस्ता ही मिला, सब सब सस्ता मिला। और लोग बोलते महंगा है लेकिन और ये जो हम ऐसा मार्केट में ऐसा नॉर्मल जगह से लेते हैं ना, जो देखो धंधे लगते हैं सूखी मच्छी के, ऐसे आप अपनी अपनी एरिया में वहाँ पर कितना महंगा देते हैं ये सूखी मच्छी, बताए 20 रुपए की तो इतनी जरी सी दे देते क्या पूछे मत। मैं इन लोगों ने अच्छे से दिए थे और मैंने देखे इतना सारा ली 200 रुपए में है ना, और थोड़ा सा ऊपर उन लोगों ने लगाए भी, थोड़ा साफ वीप करना पड़ता है घर में लेके आके है ना, तो कैसे मैंने साफ की वो भी वीडियो आप लोगों को देखने मिलेगा। और काफ़ी गर्म हो रहा था और भूख भी बहुत लग रही थी।250 400 कापूस कर कापूस हे पोट डर न लागणार काय बोलायचं काय बोलते अरे बाबा गिल्लाच बोलता तुम्ही काय मग बॉम्बिंग देशात दादा एवढेच नाही पाचच खोकते 200 घ्या ना 200 200 रुपयाची टोपली देणार 600 रुपये टोपली पाचच राहिले बोलू 200 रुपये वाटी दे हे बघ 700 तीन वाटे दे देव अरे भाव कर कमी होईल तू पहिल्या तुझं कमी होईल तुला किती पाहिजे तेवढेच राहिले किती पाहिजे हे 700 रुपये मोठे बोंबे बरोबर बोलले तुम्ही आम्हाला परवडायला पाहिजे मी पण घेते ना 4 कपडे परवडायला पाहिजे ना 5-5 तुम्हाला डायरेक्ट ये 200 है इसका ले ले हाँ 200 100 गए नहीं चाहिए अरे दीदी लेके जाओ अच्छा हो जाए घर के लिए मैंने भी निकाला है अच्छा है नहीं ये नहीं लेके जाओ खराब रहेगा इसका बोलो झींगा ले 1500 रुपये
नहीं 15 दिया ने तुमने आप बोलना सोड़ा है ये जिला सप्पा इतना करेगी ना 5,000 का तभी इतना निकलेगा उसका बोलो ना उसको भी धूप दे दिखाना पता है क्या नहीं सुक्का ही है तीन लाख को भाई काम तीन ही सांगत लगा उधर चिगे ते भाई 700 लगी क्या होता पकने अंदर हम होता चिंगे जैसा ही लगता है ना ये कैसा लगता है ए भाई पकने का तो वैसा चिंगे जैसा ही होता है ना सुक्का है बनाने का मसाला डाल के कांदा पिंदा देव ना इसको सांगा ना हो बाव माहिती आहे ना बोले तू 1500 सांगितलं तेव्हा एवढी नाही के त्याचा फायदा नाही आमचं सुकून मेहनत आमची बेकार तू नाव ठेव ना 700 लागले बोलशील काय मस्त राही त्याला टेस्टिंग घेणार तुला किती सांगितले 1300 रुपये दोघी बोल 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 ना बोलायची ना आम्हाला राग ना अच्छा है ना अरे राजा 700 घे ना दोनों की आइए 3,500 सस्ती 1600 रुपये किलो घेतो वजनाने घेतो 1200 पाहिजे ते घे 1200 रुपये 700 घ्या 700 700 मगाशीच केलीस तुम्ही सोरा एक नंबर खाऊन पैसे दे भाऊ खाऊन पैसे जरा सप्पा कर जरा सप्पा कर सप्पा ते आहे डबल ठेली आणि ऐसा खूप नग हा कितना लगे इतना निकाल बातने गवारी में भिंडी में थोड़ा थोड़ा डाल अच्छा नहीं सर्व सुरमय ये कौन सा है हाँ सुरमय सुरमय सुखाने का थोड़ा फ्रिज में रखने का फ्रिज में डाल के लगाने का रखने का अच्छा है ना सुखा है गिल्ला है मुंबई लिया सब लिया हमने वहाँ से एक ही वतन होता है काय 30 रुपये लय मान सांगतो तो 20 रुपये वो हटा नहीं चलो डाल दी मैंने डाल दो भोजन से बैठेगा ना पूरा थोड़ी सब बैठेगा वंता मामा बाजार आ जाएगा तो चलिए अभी मेरा सूखी मच्छी लेकर हो चुका है अभी मैं निकली घर पे जाने के लिए तो ये देखिए यहाँ पर शनिचार का मरोल ना सिर्फ हाँ, मरोल मरोल में शनिचार का बहुत ही बड़ा मार्केट भरता है और हर चीज़ें यहाँ पे मिलती है ना यहाँ से मैंने अपने लिए कुछ धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर भी ली हूँ
है ना। तो यहाँ से अभी मैं चल रही हूँ, गाड़ी हमने पार्किंग में बहुत लंबा लगाई थी। चलो अभी मैं फाइनली घर पे पहुँच गई है ना, तो थोड़ा नाश्ता विश्ता भी रस्ते में किए हम लोगों ने, हम लोगों को भूख लगी थी। तो अभी ये जो आई हूँ जो मच्छी वो टाइम से मतलब इसमें थी ना, कार में भी और थैली में भी थी, सारी मच्छी को भी निकाल रही हूँ मैं। देखो सूखी मच्छी है मस्त एकदम। अब ये सारी मच्छी को मैं थोड़ा हवा में रखूंगी। कितनी सारी मच्छी लेके आए मैंने, सब सूखी मच्छी लेके आई, सब डब्बे में भर के इसको सबको मैं फ्रिज में रख दूंगी। अभी तो आज इसको ऐसे ही रखूंगी, कल जब धूप कड़क धूप आएगी ना तो इन सबको जरा धूप दिखाऊंगी। ये थोड़ी गिल्ली है अभी, अभी इतनी सूखी नहीं है, मेरे को जरा गिल्ली है। फिर भर फूल नमक लगाते हो तो मेरे घर में पूरी सूखी मच्छी की बात 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 हो जाएगी ना दे। ये कौन कौन सी मच्छी इसके अंदर, इसके अंदर ये इसके अंदर सब मिक्स है। अच्छा। इसमें पापलेट भी है, इसमें रावस भी है, हलवा भी है इसमें, रावस भी है इसमें, और ये तावली भी है, ऐसी सब मिक्स मच्छी है। अब इसका क्या बनाते हैं, इसका ना इसको क्या करते हैं, धो लेते हैं अच्छे से थोड़ा सा पहले। अच्छा। धो लेते हैं, धोने के बाद में इसको थोड़ा मसाला लगा के इसको फ्राई करके दाल चावल के साथ में भी खाते हैं, या नहीं तो इसका सुक्का भी बनाते हैं। अच्छा, ये सब की रेसिपी किधर मिलेगी, अफरोज किचन? अफरोज किचन पे मिलेगी आपको, है ना, आपको अच्छे से अफरोज किचन पे देखने मिलेगा। अभी क्या करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, अभी मैं थोड़ा सा साफ कर लेती हूँ, बाकी का क्या करूंगी कल साफ करूंगी। बराबर है ना। इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है? ये है, ये इसे झोला भी बोलते हैं, इसे सुकट भी बोलते हैं। सुकट कितनी सारी है, लेकिन बनने के बाद थोड़ी हो जाती है ना, थोड़ी हो जाती है। अभी इन सबको क्या करूंगी मैं, कल थोड़ा थोड़ा सा धूप दिखाऊंगी, अच्छी मिली मगर साफ भी करके एकदम अच्छी। इसमें क्या पत्थर बित्तर होते हैं ना, हाँ। तो इसको क्या करने का, जरा सा साफ कर दूँ, जरा मैं कपड़ा मेरा पकड़ के टाइट बैठती हूँ तो दिखेगा भी कितना नहीं। ऐसी छोटी छोटी सी इसमें मच्छी होती है, देखिए निकाल देने का जरा मेहनत का काम रहता है। अभी मेरे पास टाइम भी नहीं है, मैं थोड़ा साफ कर लूँगी, थोड़ा क्या करूँगी कल साफ करूँगी, थोड़ा साफ करके रख लेती हूँ, वो मिल का काम मैं कल करूँगी, है ना। ये बहुत अच्छी लगती खाने में, बहुत अच्छी लगती, फिर भी इतनी गंदी नहीं है। को अपन दूसरी जगह से लेते ना, लोग बहुत मट्टी मट्टी भर के कचरा कचरा डाल के एकदम देते, एकदम साफ है। क्या वो एकदम मेन मार्केट था ना, सुकट सुसुकी मच्छी का, अच्छी फिर भी इसमें पत्थर रहते, खाली देख लेने का बस, फिर भी देखो एकदम साफ है, अच्छा है जौला, अच्छा है एकदम मस्त जौला। ऐसे जरा साफ करके ऐसे जरा पछाड़ दे, अच्छा ये गिर रहा है, इसका कचरा है। हाँ कचरा है, घर में हो जाएगा भी कच्चा, रूम फ्रेशनर मारना पड़ेगा। तो चलिए अभी मैंने क्या की, सारी मच्छी जो थी मेरी सूखी मच्छी मैंने साफ कर ली, उसके बाद में ये दूसरे दिन का है, रात हो गई थी करके तभी तो धूप नहीं थी, रात हो गई थी तो मैंने क्या की दूसरे दिन सारी प्लेट में हमारी मच्छी रखी और इसे अच्छे से धूप दिखाई, कम से कम मैंने इसे दो दिन तक का धूप दिखाई हूँ, है ना। और इसे आप अच्छी तरह से साफ कर लेना क्योंकि इसके अंदर फतरे वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं ना। तो इसे धूप दिखाने के बाद में मैंने इसे पैकिंग कैसा की हूँ वो भी आपको बताऊँगी, और आप मेरी तरीके से अगर आप करेंगे तो आप इसे कम से कम 6 महीने तक का यूज़ कर सकते हैं ना, 6 महीने तक का ये चीज़ें बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। बस आपको अच्छी तरह से 2 से 3 दिन तक का इसे धूप दिखाना है और इसे अच्छी तरह से आपको साफ कर लेना है। तो ये देखिए अभी ये अच्छी तरह से धूप दिखने के बाद में एकदम करारे करारे हो गए। अभी मैंने इस तरह की थैली मंगाई थी, अभी थोड़ा थोड़ा मुझे जितना पकाना है उतना ही लेके मैं इसे पैकिंग करके रख रही हूँ। तो मैंने क्या की थी पता है, इसमें जैसे कि मैंने थोड़ा थोड़ा सा 4 पैकेट बनाई थी है ना, जैसे कि बोमबिल की 2 पैकेट बनाई, 2 से 3 सुकट, ये सुक्की सुकट बोलते हैं इसे, इसकी मैंने 2 से 3 पैकेट बनाई। अभी जब भी मुझे पकाना रहेगा 1 पैकेट निकालूंगी और पका लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से आप पैकिंग करके रखेंगे ना तो साल भर तक आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। और माशाल्लाह ये खाने में बहुत अच्छी लगती है और इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को बहुत ही जल्द दूँगी, 1 से 1।
हाँ, आपको इसकी रेसिपी देखनी है तो अफरोज किचन पे देखने मिलेगी। हाँ, अफरोज किचन पे आप लोग मुझे फॉलो कर लेना। प्लास्टिक का डब्बा, स्टील का डब्बा नहीं है तो प्लास्टिक में भर सकते। ये लक्ष्मण रेखा पूरा भाग पूरा चीज दे रहे हैं ना, थैली में पैकिंग है। जो पैकिंग करके वो चुप तो इस तरह से पैकिंग कर दो अच्छे से, पहले धूप दिखा दो पूरी, धूप धूप दिखा, थोड़े को भी दो दिन और धूप दिखाऊंगी, दो तीन दिन थोड़ा देना दो, थोड़े को दो तीन दिन के बाद पैकिंग हो गई। देखो ऐसा, अब जितनी जरूरत है इतना ये पैकेट मिलती है, ये पैकेट खोलने का जितना चाहिए उतना ले लेने का, बाकी रेस्ट में रखना। ये डब्बे में भर के रख देने का। तो मस्त बोली कलर का फर्क दिखेगा, है दोनों एक ही, मगर ये है ये जूना वाला, एकदम जूना वाला, आवाज के साथ ले रहा है, ये है जूना वाला है ना, ये जूना हो जाएगा ना, और ये है नया वाला। अभी ये जो नया वाला जो जूना हो जाएगा ना, तो इसका भी कलर है ना सेम ऐसा ही हो जाए, है ना। चलो है ना, और ये तो है ये देखो ये कितना सा हो गया साफ करके, दो टाइम डालूंगी, एक बार बैगन में एक बार बटाटे में, खत्म।